हेलो डियर के व्यू भाई एस्परेंट्स, कैसे हो सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं यार। जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, ठीक है। बार बार क्वारी जा रही है कि भैया रिजल्ट कब आने वाला है। 22 मई को एग्जाम हुआ था, आज 9 जून हो चुका है, 8 जून हो चुका है, 7 जून हो चुका है। हमें बहुत ही ज़्यादा जो है रिजल्ट की चाहत है भैया, कब आएगा रिजल्ट आखिरकार। आखिरकार कौन सा पल है वो सुनहरा पल जब आएगा रिजल्ट। आखिरकार क्या कौन सी रैंक है, कैसे प्रडिक्ट होगी। अगर हमारे आ रहे हैं 60+ मार्क्स, देन कैसे करें हम अप्लाई। IISc के एप्लीकेशन हो चुके हैं ऑलरेडी रिलीज, जिसको आप कर चुके हैं अप्लाई। अगर नहीं किया है तो ज़रूर जाके कीजिए चेकआउट IISc। आयशर के CSAB जो भी है, SCB वाले एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है। KVPY के फॉर्म जल्दी लॉन्च हो रहे होंगे। JEE एडवांस के फॉर्म जल्द ही लॉन्च हो रहे होंगे। आखिरकार कैसे मिलेगी हमें स्कॉलरशिप इस KVPY वाले पोर्टल से, क्या करें हम क्या नहीं करें भैया, क्या सारा सीन है। तो यार चलिए देख लेते हैं। ओके सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 22 मई को हुआ है, तो मिनिमम एक महीना लगता है अनाउंसिंग द रिजल्ट, क्योंकि उनको सारा का सारा निकालना होता है, चाहे वो कट ऑफ हो, स्कॉलरशिप के लिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, किसकी क्या कास्ट है, सारा का सारा। तो आप मिनिमम एक महीना तो मान के चलो ही, यानी कि आज जो है 9 जून हो चुका है, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून चल रहा है, यानी कि आप लास्ट वीक ऑफ जून मान के चलो, यानी कि 20-22 जून तो आप मान के चलो ही, जो कि KVPY का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा लास्ट वीक ऑफ जून तक। अब आपका मेन टारगेट क्या रहना चाहिए यार, आपका जो मेन टारगेट है वो ये रहना चाहिए, जैसे IISc वगैरह। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल JEE एडवांस ट्राई करो, बहुत अच्छे से ट्राई करो। जो बच्चे SA वाले थे वो जस्ट SXSB जो भी है आपका 12th वाला जो ब्रांड है उसके KVPY के लिए ट्राई करो, ठीक है। एंड जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, इफ़ यू आर सेलेक्टेड देन गुड, JEE एडवांस के लिए ट्राई कीजिए। ISCS जो भी है, CMI, ISI एंड मैनी मैनी एग्जाम्स के लिए ट्राई कीजिए। अगर आपका SA में नहीं सेलेक्ट होते हो, देन जो है आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है फिर से जो भी आपका SX ब्रांच होने वाला है, या फिर SB जो भी होता है आपका 12th वाला। ओके एंड सो आपका जो रिजल्ट है वो यही था कि जो है 20-22 जून तक आप मान के चलो, या फिर लास्ट वीक ऑफ जून तक आप मान के चलो, जल्द ही रिजल्ट आ रहा होगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड आपको किस मार्क्स पे कितनी रैंक मिलेगी, इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो एक वीडियो क्रिएट कर दिया गया है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, एंड आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ ही आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर जो हमारी टीम आपको फुल काउंसलिंग करती है टिल द कम्प्लीटेड एडमिशन एंड योर व्हाट इज़ द स्कोप इन जस्ट लाइक इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, कंप्यूटर साइंस में क्या होने वाला है इन फ्यूचर, आने वाले 5 साल में कितनी जॉब्स है, कहाँ पे जॉब मिलेगी, किस यूनिवर्सिटी अच्छा है। आप IISc के अंदर BTech लो, या IIT में BTech लो, या फिर जस्ट अदर कॉलेज चुनो, आपके कम मार्क्स आ रहे दिन आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे प्लेसमेंट होगा, कैसे लाइफ स्टाइल सेट करोगे, राइट। सारी के सारी जो है आप हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर ले सकते हो, जिसके अंदर जो हमारी टॉप टीम है, दिस इज फ्रॉम IISc, IITs, NITs, ISER, NICER, DU, NSUT, जो कि आपको पूरा सिखाती है। लाइव इंटरेक्टिव क्लास होती है इन द गूगल मीट और जस्ट लाइक जूम टिल नाइट को, ठीक है। तो आप जस्ट मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हो, एंड इन फ्यूचर जो इसके प्राइस ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, एंड अभी जो है 20-22 जून के बाद, तो जस्ट आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो। एंड इसके अंदर एक अच्छी बात यह भी है कि इफ़ योर एडमिशन नॉट कम्प्लीटेड इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, देन आपको रिफंड तो मिलेगा ही, और एक बहुत ही अच्छा कॉलेज हमारी तरफ से सजेस्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज जिसका प्लेसमेंट एटलीस्ट 10-20 LPA होता है, और आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। एंड इफ़ योर फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल इश्यू, देन जो है हमारी जो भी है इंजीनियरिंग वाला फाउंडेशन की टीम की तरफ से जो है आपकी फ़ीस भी पे की जाती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।